हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। तो गाइस, एक बहुत ही अच्छी खबर है सभी जो भी आरआरबी का जिन भी लोगों ने पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए एग्ज़ाम दिया था। चले, पूरी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आरआरबी ने अभी रिसेंट में ही एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। ऑफिशियल जो आंसर किए सॉरी जो ऑफिशियल मार्क्स हैं वो रिलीज़ कर दिए हैं आरआरबी ने। चले मैं बताती हूँ आपको, आप लोग कैसे चेक करें। सबसे पहले आप लोग गूगल में जाके जैसे ही आरआरबी टाइप करते हैं, ये देखिए ओपन हो रहा है, क्योंकि आरआरबी की वेबसाइट पे अभी रिसेंट में ही इन्होंने अभी नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, तो ज़्यादा लोड है इस कारण से ओपन होने में भी थोड़ा टाइम ले रहा है। ये देखिए, इन्होंने यहाँ पे नोटिस ऑन फाइनलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्शन एंड फाइनल आंसर की, पैरामेडिकल कैटेगरी की फाइनल आंसर की रिलीज़ की है। और जो भी क्वेश्चन पेपर और फाइनल आंसर की है पैरामेडिकल कैटेगरीज की, तो ये देखिए आप लोग, इन्होंने आरआरबी की आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और चेक कीजिए। मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करती हूँ, यहाँ पे एक पीडीएफ है जो ओपन हो रहा है। इसमें आपको बताया जा रहा है फाइनलाइजेशन और आंसर की है जो क्या है इन्होंने जो अभी रिसेंट में ही रिलीज़ किया है। चलिए मैं आपको पॉइंट वाइज बता देती हूँ कि ये है क्या। तो जो एम्प्लॉय नोटिस सेंट्रल का जो नोटिस नंबर 02/2019 था, वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट कैटेगरी के लिए, पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए था, तो इसमें चलिए हम देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया है फाइनलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्शन एंड फाइनल आंसर की के बारे में। सो फर्स्ट पॉइंट कहा है इन्होंने, द कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द सीबीटी वेर प्रोवाइडेड विथ अ लिंक ऑन ऑल ऑफिशियल वेबसाइट। तो जिन भी कैंडिडेट ने जो एग्ज़ाम दिया था, तो उनके लिए सीबीटी का जो भी आंसर क्वेश्चन पेपर देखना था, आंसर की देखी थी सब लोगों ने, ऑब्जेक्शन भी इन्होंने ऑब्जेक्शन के लिए भी डेट दी थी जो 5 अगस्त से स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त तक। कुछ लोग मेरे पास कमेंट आए थे, कुछ लोग देख पाए कुछ नहीं देख पाए, इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में ही बताया है। दूसरे पॉइंट में इन्होंने कहा है कि द ऑब्जेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स वेयर रिव्यूड बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स एंड सम ऑफ द ऑब्जेक्शन राइज्ड वेयर एक्सेप्टेड। तो इन्होंने सेकेंड पॉइंट में ये कहा है कि जिन भी लोगों ने ऑब्जेक्शन, जो भी क्वेश्चन उनको लगा था कि ये क्वेश्चन मेरा सही बट गलत माना गया है, तो यहाँ पे इन्होंने जो भी जिन भी लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया हुआ था जिस भी क्वेश्चन पे, तो उसको सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट थे उनके द्वारा रिव्यू किया गया, कुछ ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट भी किया गया है और आंसर की को रिवाइज़ किया गया है। तो यहाँ पे फाइनलाइज्ड आंसर की है जो आज रिलीज़ की हुई है इन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया कि कैंडिडेट मे व्यू द फाइनल आंसर की अलॉन्ग विद द मॉडिफाइड आंसर की फॉर देयर क्वेश्चन पेपर। तो इन्होंने ये बताया है कि जिन भी लोगों ने ऑब्जेक्शन आंसर की, जो भी आंसर की पहले आपने देखी थी, अब जिन भी लोगों ने ऑब्जेक्शन के साथ है यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्शन लगाए थे जिन भी क्वेश्चन के आंसर पर, तो वो आज ही मींस 28/8/2019 से कब 28/8 मींस आज ही से स्टार्ट हो रही है कि आप लोग है जो चेक कर सकते हैं अपनी फाइनल आंसर की 12 बजे से लेके सॉरी यहाँ पे 18 घंटे के लिए जो वेबसाइट ओपन हुई है 28/8/2019 से लेके 31/8/2019 को 12 बजे रात तक है जो आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोग प्लीज़ जिन भी लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया हो, जिन भी क्वेश्चन वो लोग चेक कर लें, आज ही से लिंक ओपन हो गई है। नेक्स्ट आता है पॉइंट, द डिसीजन ऑफ द आरआरबी ऑन द आंसर की एंड क्वेश्चन इज़ फाइनल एंड नो फर्दर। तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में इन्होंने यही बताया कि ये जो आज जो इन्होंने आंसर की रिलीज़ की है फाइनल आंसर की, इसके बाद किसी भी टाइप का कोई भी अदर फाइनल अदर आंसर की है जो रिलीज़ नहीं की जाएगी, फाइनल आंसर की है। कैंडिडेट परफॉर्म इन द सीबीटी विल बी इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन द फाइनल आंसर की। जो भी कैंडिडेट का जो परफॉर्मेंस था सीबीटी के बेस्ड पे, इनकी फाइनल आंसर की के हिसाब से है जो आज पब्लिश कर दिया गया, तो आप लोग अपने मार्क्स हैं जो देख सकते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन। तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी कैंडिडेट हैं शॉर्टलिस्ट होंगे उनका आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जल्दी ये रिलीज़ करेगा कोई नोटिफिकेशन। चलिए मैं आपको नेक्स्ट इसमें दिखा दूँ कि आप लोग है जो कैसे जाके आप लोग फाइनल आंसर की चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जैसे आपने उस टाइम पर अपना आंसर की चेक किया हुआ था कि यहाँ पर अपना रोल नंबर डालेंगे, बैच सिलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, सभी चीज़ें आप अपना डिटेल डाल के सबमिट करेंगे तो आपको आपकी आंसर की है फाइनल आंसर की है वो देखने को मिल जाएगी। तो गाइस प्लीज़ न्यूज़ आप सभी दोस्त